नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि सिवान जिला का दरौंदा प्रखंड इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। विगत कुछ दिनों में देखा गया जिस तरह मुखियाओं पर दबाव दिया जा रहा है अपराधियों द्वारा, उसको लेकर एक और मामला सामने आया है। अब पिनथू पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं नेमुल हक सिद्दीकी हमारे समक्ष आज बैठे हुए हैं, इनके साथ भी इस तरह के साजिश रची जा रही है अपराधियों द्वारा। और कल ही की घटना आई है, हम इनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर। तो मुखिया जी, क्या आपके साथ दिक्कत हो रही है? दिक्कत इसमें कुछ तो नहीं है, दिक्कत यह है कि 27 तारीख को हमारे यहाँ BDC की मीटिंग था, उसमें सब मुखिया लोग जाते ही हैं, BDC भी ले जाते हैं, सारे लोग जाते हैं। तो BDC की मीटिंग करीब 2 बजे ख़त्म हुआ, वहाँ से हम आ रहे थे। तो आप लोगों को मालूम होगा महाराजगंज के लिए जब दरौंदा से रोड आती है उसमें एक झोर पुल है, उसी के करीब जब हमारी गाड़ी पहुंची उधर से वापसी में महाराजगंज की तरफ हम आ रहे थे, तो पीछे से हॉर्न बजाते हुए 2 आदमी एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, वो लोग हमको ओवरटेक करके रोक दिया, गाड़ी को मोटरसाइकिल को रोक दिया और हमको भी रोकना चाहा। हम भी सोचे कि रुके, शायद कोई अपना आदमी है या कोई है। जब करीब आए तो देख रहे हैं कि वो लोग आए रुक रुक रुक, और उन लोगों को भाषा सही नहीं लग रहा था, देखने से वो लोग क्रिमिनल छवि के लोग लग रहे थे। हम ड्राइवर से बोले कि नहीं नहीं गाड़ी मत रोको, ये लोग सही नहीं है, जल्दी गाड़ी को अपने तरफ करो और निकालो यहाँ से। गाड़ी को फिर हम लोग रोड पर करके और भागते हुए हम लोग चले गए। लोग पीछे से चहटा और लगा कि वो लोग पीछे आ रहा है, ड्राइवर बोला शीशा में गया कि वो लोग मुखिया जी लोग पीछा कर रहे हैं। हम लोग गाड़ी और तेज़ी से भगाते हुए महाराजगंज की तरफ चले आए और महाराजगंज थाना में हमको ऐसा डर हो गया कि और भी लोग साथ में हैं, तो हम गाड़ी को महाराजगंज थाना में घुसा दिए। वहाँ गए तो बड़ा बाबू कुछ अंदर थे और छोटा बाबू से मेरी बात हुई, कुछ क्रिमिनल पकड़े गए थे, उन्हीं को जेल भेजने की वहाँ तैयारी सब हो रही थी, उसी में वो लोग चल रहे थे, गाड़ी में बैठ करके उन लोग को जेल भेज रहे थे। फिर उस पर कोई वो लोग ध्यान नहीं दिया, फिर हम लोग रोड पर आकर के देखे तो कहीं कोई नजर नहीं आया, फिर हम लोग अपने घर चले आए। मुखिया जी, ये जो घटना घटी है उसके पहले आपको फोन भी आया था या ये डायरेक्ट इस तरह की घटना है? नहीं नहीं, फोन वोन मेरे पास कुछ नहीं, कभी किसी का कोई फोन नहीं आया, ये डायरेक्ट घटना घटी। हाँ, डायरेक्ट। तो जो लोग थे क्या उनमें से किसी की पहचान हो पाई? किसी नहीं, चेहरा पे तो लोग कुछ लगाए नहीं था, चेहरा उनका साफ था, लेकिन उन लोगों को कभी हम देखे नहीं है। अनोन आदमी थे और पहचान नहीं पाए उन लोगों। जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की घटना काफ़ी गंभीर समस्या हो गई है और पूरे जिले में इस तरह की समस्या आ रही है? देखिए, जिला प्रशासन से तो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इसके पहले हमारे एक मुखिया पति जो थे प्रदीप तिवारी, जो हम लोग के काफ़ी बेचारे मिलनसार आदमी थे, सामाजिक आदमी थे, अभी उनके साथ भी रंगदारी मांगा गया था और उनका मर्डर दिन दहाड़े कर दिया गया। इसके लेकर के हमारे पूरा जिला के मुखिया संघ इकट्ठा हुआ था, हम लोग धरना पर बैठे थे, जिला प्रशासन से मांग भी की है कि हम लोग के हमलों पर ध्यान दिया जाए, हम लोग के जिनके पास लाइसेंस नहीं है या जो लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, जो लोग इस सक्षम है कि अपना कोई गार्ड मांग रहे हैं रखना चाह रहे हैं तो उनको गार्ड दिया जाए, लेकिन अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। और ये भी अभी बात हम लोगों के प्रकाश में आया कि जो हमारे मुखिया भाई आर्म्स के लिए जो दरखास्त दिए हुए हैं उन पर भी कोई सुनवाई नहीं हो, वो भी वैसे कोई से पड़ा हुआ है। यानी प्रशासन के द्वारा फुल सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा जी, ना नहीं। आखिर मुखिया को ही क्यों लोग मतलब जो टारगेट किए जा रहे हैं, जो अपराधी छवि के व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ अलग विचार चल रहा है क्या? उनके अंदर ये विचार चल रहा है, वो सोच रहे हैं कि भाई मुखिया के पास बहुत रुपया है, इन लोगों के पास बहुत रुपया है, इसलिए वो लोग टारगेट कर रहे हैं कि भाई मुखिया से पैसा वसूल किया जाए या मांगा जाए। हालांकि मेरे साथ इस तरह का कोई मामला नहीं है, ना मेरे पास किसी न किसी का टेलीफोन आया है और ना इस तरह कोई मामला है, लेकिन अक्सर लोगों से सुनने में आ रहा है कि इस तरह से हो रहा है। मुखिया जी, एक चीज़ है कि अपराधियों पे उचित कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है, इसी के कारण अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देखिए, मनोबल बढ़ने की वजह यह है कि बहुत सारा थाना प्रभारी जो है बहुत ईमानदार हैं और बहुत मेहनत से क्रिमिनल को पकड़ते हैं, जेल भेजते हैं और फिर 6 महीना 4 महीना 5 महीना 8 महीना में उनका बेल हो जाता है, फिर चले आते हैं और फिर वो अपना काम करते हैं, फिर पकड़ाते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर बेल होता है।
आप लोग जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, प्रशासन की है, और प्रशासन इस चीज़ को लंबे समय से इग्नोर करते हुए आ रही है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रशासन कठघरे में भी खड़ा होगी? खास करके दरौंदा और महाराजगंज के प्रशासन को पता ना क्या हो गया है कि इतना कहने के बावजूद भी ये लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं। अभी तो कुछ थाना प्रभारी हमारे नए आए हैं, तो लग रहा है कि कुछ काम कर देखे आएंगे, तो हम लोगों ने अब दिया है, देखिए कहाँ तक उसमें वो सही उतरते हैं। आज हम लोग, हो सकता है कि हमारा पूरे दरौंदा के मुखिया संघ हम एक साथ होकर के थाना प्रभारी से मिलेंगे, DSP साहब से मिलने का भी हम लोगों का प्रोग्राम है। हम लोग DSP साहब से भी बात करेंगे कि इस पर अंकुश लगाया जाए और प्रशासन इसमें चुस्त दुरुस्त हो। आपके साथ जो घटना घटी है उसको लेकर आपने आवेदन दिया है SP महोदय को? जी, दे दिया है। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? असल बात है कि जब हम थाना पर गए थे तो थाना प्रभारी नहीं थे, उनसे मोबाइल पर मेरी वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप अपना एप्लीकेशन दे दीजिए और रिसीविंग ले लीजिए, हम आते हैं थाना में, हम लोग इसको देख रेख करते हैं, उसमें हम लगेंगे। आपने आवेदन में सुरक्षा की मांग की है गार्ड का? आवेदन में तो हमने नहीं किया है, लेकिन जो भी हमारे पास मीडिया बंधु आ रहे हैं मीडिया के थ्रू हमने मांग किया है कि उसमें प्रदान की जाए। जी, अपने आवेदन में तो जो मेरे साथ घटना हुआ सिर्फ यही हम लिख करके दिए हैं, लेकिन आज हम, हो सकता है कि अपने गार्ड के लिए चाहे सुरक्षा के लिए हम लिख करके देंगे। तो जो घटनाएं घटी है, क्या लग रहा है कि आपको उस घटना के बाद से साथ घट सकती है? बिल्कुल घट सकती है, अगर प्रशासन चुरदुस्त नहीं रही तो हो सकता था ये ट्रेलर है आगे फिल्म हो जाए। बिल्कुल खतरा है। तो चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से